हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। तो आज की मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी की सबसे बढ़िया ट्रेड, सबसे बेस्ट ट्रेड। अगर आप इस ट्रेड में चले जाते हैं दोस्तों तो आपके काफ़ी मजे हैं और आपकी नौकरी काफ़ी अच्छी निकलेगी, ठीक है। तो मेनली मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं बताऊँगा जो मैंने आज तक देखा है, तो उस हिसाब से मैं बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ताकि अगर वो भी कोई ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपकी एज निकल गई है जीडी के लिए, तो आपको कौन सी ट्रेड में मेनली जाना चाहिए। दोस्तों इंडियन आर्मी में बहुत सी ट्रेड होती हैं, जैसे कि आपकी बारबर हो गई, कुक हो गया, हाउसकीपर हो गया, वॉशरमैन हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, ईआर हो गया, ये सब ट्रेड होती हैं। और इनका मेन काम क्या रहता है, अपनी ट्रेड का काम करना, यही होता है। ये पीटी रनिंग करते हैं प्लस अपनी ट्रेड का काम करते हैं, और फिर अगर शाम को ड्यूटी आ गई तो वो ड्यूटी पे भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इनका काम। अब हम बात करते हैं कि इनकी सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सी होती है। सबसे बढ़िया दोस्तों मैंने अभी तक देखा है वो है आपकी आपकी बारबर हो गया और कारपेंटर हो गया, एक और है दोस्तों वो है आपकी वॉशरमैन, ठीक है, वो भी ट्रेड बढ़िया है। तीन ट्रेड सबसे बढ़िया है। जो कारपेंटर होता है वो पूरी बटालियन में सिंगल होता है, एक ही बंदा होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट वगैरह भी काफ़ी रहती है, ठीक है। किसी को भी अपना काम करवाना हो, सरकारी काम, तो उससे अच्छे से बात करेगा, भाई प्लीज़ यार कर दे, तो उसमें काफ़ी रिस्पेक्ट है, ठीक है। बारबर भी बहुत बढ़िया ट्रेड है, ठीक है, और वॉशरमैन है वो भी बहुत बढ़िया ट्रेड है। तो अगर दोस्तों अगर आप जीडी के लिए आपकी एज निकल चुकी है, ठीक है, तो आप ट्रेड मैन में जा सकते हो और उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि ये बेस्ट ट्रेड है। वैसे मेरे हिसाब से सभी ट्रेड बढ़िया हैं, क्योंकि मेनली आपको करना अपना सरकारी काम ही है, फौजी काम है, ठीक है। जो ट्रेड मैंस हैं अगर वो किसी ट्रेड से भर्ती हो जाते हैं तो वो कोई अपना घर का काम नहीं कर रहे हैं, वो सेना का काम कर रहे हैं, वो इंडियन आर्मी का काम कर रहे हैं, और उसका ही उनको रुपए मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड मैन से भर्ती देखते हो तो जो आपका इंटरेस्ट हो जिस ट्रेड में, वो आप जा सकते हो, उस ट्रेड से आप दोस्तों भर्ती हो सकते हो, कोई इशू नहीं है और काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि सैलरी वगैरह, फैसिलिटी वगैरह जो भी कुछ है सब सेम होता है। और आपकी जो मेन जो ट्रेनिंग होती है वो आप की जो जीडी वाले बंदे होते हैं उनके साथ ही होती है, आपकी बेसिक ट्रेनिंग उनके साथ होती है, प्लस जो एडवांस ट्रेनिंग रहती है वो आपकी अलग चलती है, वो आपकी उस सेंटर में नहीं चलती, वो आपकी अलग चलती है। कहीं आपकी लखनऊ चल सकती है, सिकंदराबाद चल सकती है, कहीं भी चल सकती है जो उस ट्रेड का जहां सेंटर है, ठीक है। जितनी भी ट्रेड्स होती है ना दोस्तों, जैसे कुक ट्रेड हो गया, वॉशरमैन ट्रेड हो गई, इनकी अलग अलग जगह एडवांस ट्रेनिंग चलती है। वहां पर क्या होता है, इंडियन आर्मी के जितने भी यूनिट्स हैं ना, जितनी भी रेजिमेंट हैं, सब बंदे आते हैं वहाँ ट्रेनिंग करने, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।